अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। बता अपने भाई से क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? जिसको मेरा स्पेशल डे नहीं याद था उसे मैं क्या ही गिफ्ट मांगू? नंदनी देखो ऐसी बात नहीं है कि हमें तुम्हारी एनिवर्सरी डेट याद नहीं थी, उल्टा हमने और अंशुमन जी ने तो तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान किया था, लेकिन फिर केतारी भैया ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसलिए हमने वो पार्टी कल पोस्टपोन कर दी। मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी हम आपके कमरे में चाय लेकर गए थे तब आप सो रहे थे, तो हमें लगा आपकी तबीयत खराब है इसलिए हमने सुमन भाभी से ऐसा कहा, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है दीदी। तू तो भगत है ना अपने सुमन भाभी का, उसकी हाँ में तो हाँ मिलाएगा ही तू। और तुम्हारा तो मन ही नहीं था ना नंदिनी के लिए पार्टी करने का, तुम तो चाहती थी कि वो जेल के सलाखों के पीछे बंद रहे। झूठ बोल रहे हैं कहा? पहली बार एकदम सच कहा बड़की बहू, घर की पार्टी घर के नौकर के कहने पे कौन कैंसिल करता है? हा? पता है सुमन मुझे ना तुमसे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है, क्योंकि तुम्हें ना मैंने अपनी अच्छी दोस्त समझा था, पर तुम किसी की नहीं, तुम सिर्फ खुद की हो। नंदिनी ऐसा नहीं है बेटा। अरे चलो चलो पार्टी खत्म हो गई, अरे और केक काटो और सब में बांटो। बाय। पड़ गया कलेजे में ठंडक, यही चाहती थी ना तुम, कर दिया तुमने। चाहती थी कि घर की बिटिया के मन में इस पूरे घर के लिए जहर भर दिया जाए, तुम तो सफल हो गई अपने काम में, है ना? अरे विधाता का किए हैं आप, कौन सा घड़ी में इस लड़की का नाम लिख दिए है इस घर का कुंडली में, कब तक सहना पड़ेगा इसको हमको? हम जानते हैं माया ये सब तुम ही कर रही हो और किस लिए कर रही हो, मगर याद रहे झूठ पर बन रहे तुम्हारे इस किले को हम ताश के पत्तों की तरह दहा देंगे, ना तुम्हारा झूठ ज्यादा दिन टिक पाएगा और ना ही तुम। अरे वाह, हमसे पूछ रही है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और तुम जो की वो तो तुम भूल गई। क्यों की मैं? अरे भाई इसे याद तो दिला दे। हम हमारे सारे काले कारनामों का इल्जाम हमारे आदमियों पर लगाकर अपना इमेज एकदम शुद्ध देसी घी की तरह बना लेंगे, और ये सब लोग जाएंगे जेल में और हम जिएंगे मिसेज राय बहादुर बन के ऐश की जिंदगी। अरे ये मेरी आवाज नहीं है। अच्छा तो ये प्लानिंग चल रही है, बड़े घर में शादी करके अपने ऐसो आराम के लिए तू हमें कुएं में गिराना चाहती है? पौरा गयो क्या? मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? अरे क्यों दो दो माया भागो। डरी हुई माया तो और भी ज्यादा क्यूट लगती है। वैसे तुम्हें क्या लगा था सिर्फ तुम ही दूसरों की आवाज निकाल सकती हो? ना मुन्नी ना, ऐसी बात नहीं है, हम में भी थोड़ा टैलेंट है। वैसे तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी ये घटिया चाल में हम फंस जाएंगे? कभी नहीं माया, ऐसा कभी नहीं होगा, वो हम पर काम नहीं करने वाला, इसमें तुम ही बुरी फंसोगी, समझ गई? समझ गई, और मैं डर गई सुमनिया, अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हम कहीं नहीं जाने वाले। जाओगी तो तुम इस घर से, हमारे परिवार से बहुत दूर। तुम्हें पता नहीं होगा माया, लेकिन जब जब किसी ने हमारे परिवार को परेशान किया है ना, हमने उसे उसकी नानी याद दिला दी है। हम तो ये सोच रहे हैं तुम्हारा कितना बुरा हाल करेंगे हम।
यस 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 डॉक्टर अविनाश, इस प्रॉब्लम में फंसी हुई हमारी नंदिनी, ये मुंबई के किसी टीएचसी हॉस्पिटल में केस हुआ है। आप मुंबई के इतने फेमस डॉक्टर हैं, हमें लगा इस केस के बारे में तो आपको पता ही होगा। डॉक्टर प्लीज, हमें पूरी बात पता करनी है, आखिर हमें भी तो पता होना चाहिए ना। फिलहाल मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि पूरी बात क्या है। आई विल अपडेट यू सून। ओके, थैंक यू डॉक्टर अविनाश। अगर डॉक्टर अविनाश जैसे वेल कनेक्टेड डॉक्टर को इस बारे में नहीं पता तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमारी नंदिनी को फंसाया जा रहा है। कैसा लगा नंदिनी? मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर आप मुझे सच में गिफ्ट देना चाहते हो ना, तो आप मुझे 50 लाख रुपए दे दो। 50 लाख? मगर क्यों? वो मुझे दादी को देना है, ताकि वो मुझे वापस अमेरिका भेज सके। वो सारा अरेंजमेंट कर रही है, बस 50 लाख रुपए चाहिए ताकि मैं जल्द से जल्द अपने शिखर के पास वापस चली जाऊं। आप भी तो यही चाहते हो ना भैया? हाँ, लेकिन नंदिनी। हम सब भी यही चाहते हैं नंदिनी। लेकिन हम में से ऐसा कोई नहीं चाहता कि तुम ऐसे घर से भाग जाओ। नंदिनी, जिस औरत पर तुम विश्वास कर रही हो ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। आंचल ने भी सेम गलती की थी। नंदिनी प्लीज देखो, वो बहुत बड़ी फ्रॉड है। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश। बस सुमन, मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी, अब तुम प्लीज भगवान के लिए मेरे मामलों से ना दूरी रहो। नंदिनी, हम में से कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ऐसे क्यों कर रही हो? तुम बस माया के माया जाल में फंसती जा रही हो नंदिनी, और हम ऐसा नहीं चाहते। हमने अपने सोर्स को काम पर लगा दिया है कि वो मुंबई वाले हादसे की पूरी सच्चाई हमें बता दे, और फिर हम साबित कर देंगे कि तुम बेगुनाह जो कि तुम हो। प्लीज नंदिनी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपनों पर विश्वास करो, बाहर वालों पर नहीं। सुमन, इसके लिए ना मुझे टाइम है और ना तुम जैसे लोगों के लिए सब्र, और मुझे इस वक्त सिर्फ पैसे चाहिए, और मैं अपने भाई से मांग रही हूँ, तुमसे नहीं। आप पैसे दोगे ना भैया? देखो नंदिनी, इस बात में मैं सुमन के साथ हूँ,